नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आप लोगों में से काफी लोगों का कमेंट आया कि जो रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट चालू है उसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया जाए, तो आज आप लोगों के लिए ला रहे हैं ये वीडियो। आज हम लोग खुद आ चुके हैं, पूरी टीम सौदागर की आ चुकी है रिवर फ्रंट पे। यहाँ पे मोड़ा मुठा रिवर जो है बह रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पे तेजी से काम चालू है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का। तो यहाँ सबसे अच्छी चीज जो हमें लगी, यहाँ बैठने का स्पेस दिया गया है, जॉगिंग ट्रैक है और यहाँ पेविंग ब्लॉक्स भी लगने वाले हैं। और साथ ही साथ जो ट्री प्लांटेशन अगर आप देखें तो ये लगभग 3 टीयर में किया जा रहा है। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये पूरा जो है आपका एक लाइन जो है ट्री प्लांटेशन किया जा रहा है, इसके बाद भी ट्री प्लांटेशन है और नीचे भी नदी की तरफ भी जो है एक और लाइन है। यानी कि काफ़ी मात्रा में ट्रीज लगाए जा रहे हैं और इनकी साइज भी काफ़ी अच्छी है, 10 से 12 फीट के जो है ये हाइट के ट्रीज हैं और कुछ ट्रीज तो लगभग 15-20 फीट के भी हैं। यानी कि इसके ग्रोथ होने के चांसेज ज़्यादा हैं, जल्दी बढ़ेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरी छाया होगी, लोग आके बैठ सकते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं, साथ ही साथ साइकिलिंग ट्रैक भी बनाई जाएगी। और यह भी बताया जा रहा है कि यहाँ बोटिंग के लिए भी सर्विसेज चालू की जाएंगी। जो आपको बंद गार्डन जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ तक संगमवाड़ी से चीज़ें आएंगी और यह पूरा प्रोजेक्ट जो बढ़ने वाला है वो मुंडवा तक जाएगा, पूरा 9 किलोमीटर का। साथियों, ये पूरा जो है एक तरीके से डेवलपमेंट है और 9 किलोमीटर में अगर आप देखें तो जो मेजर चैलेंजेज आ रहे हैं, काफ़ी एक्टिविस्ट एनवायरमेंटलिस्ट जो ऐसे हैं उनका ये कहना है कि जो काफ़ी मात्रा में पेड़ काटे जाएंगे तो उसमें जो अभी नंबर्स आए हैं 5294 पेड़ जो है काटे जाने की बात की जा रही है, जिसमें 2600 पेड़ काटे जाएंगे और लगभग 2694 प्लांट्स को जो है ट्रांसप्लांट किया जाएगा, यानी कि कहीं पे शिफ्ट किया जाएगा, उनको दोबारा लगाया जाएगा। पर उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके की होती है कि उसमें से लगभग 25% ट्रीज ऐसे होते हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, 75% ट्रीज ही सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि उनका इकोसिस्टम पूरा बदलता है, उनको एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में ले जाया जाता है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं जो है उनके ग्रोथ की संभावनाएं रुक जाती हैं। पर अच्छी बात ये देख के लग रही है कि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में ट्रीज लगाए जा रहे हैं। अगर ये पूरे रिवर फ्रंट में इसी तरीके से लगाए जाते हैं तो आने वाले समय पे ये कहीं ना कहीं वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट जो है साबित होगा। और अगर यहाँ पे भी कुछ ब्यूटिफिकेशन फ्लावर बेड वगैरह बनाए जाएँ तो वॉकिंग ट्रैक और जो यहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक होगा उनके लिए भी काफ़ी सहूलियत मिलने वाली है। और साथियों, इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ गलत फहमियों को यहाँ पे समझना जरूरी है। जैसे बहुत से पुनिकर्स को ऐसा लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट से ट्रैफिक की बढ़ रही समस्याओं में कमी आएगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसी भी तरह का व्हीकुलर मूवमेंट के लिए रोड डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जैसा हमने आपको बताया, सिर्फ साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और बोटिंग के लिए जो है व्यवस्थाएं की जा रही है और सिटिंग स्पेस भी डेवलप किया जाएगा। बहुत से लोगों को यह भी लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट से मोड़ा मुठा नदी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल नहीं है। इसके लिए अथॉरिटीज को कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की आवश्यकता है, जिससे कि अनट्रीटेड वाटर को नदी में ना डाला जाए, क्योंकि इतने गंदे पानी में आप सोचिए इसके पास कौन वॉक करना चाहेगा, इसमें कौन बोटिंग करना चाहेगा। इसलिए कहीं ना कहीं रिवर क्लीनिंग को टॉप प्रायोरिटी पर रखना जरूरी है। बहुत से डेवलपर जो इस नदी के आसपास डेवलप कर रहे हैं वो अलग अलग तरह से चीजों को बायर्स के बीच में तोड़ मरोड़ कर फैला रहे हैं। जैसे इस प्रोजेक्ट से नदी साफ हो जाएगी, रिवर साइड रोड बन जाएगा या डेवलपमेंट केशव नगर तक होगा, और कई डेवलपर तो ऐसा भी कह रहे हैं कि यह पूरा डेवलपमेंट मांझली तक भी आएगा। पर साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी यह डेवलपमेंट संगमवाड़ी से लेकर मुंडवा तक होने वाला है और यह पूरा 9 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और यदि ये आने वाले समय में सक्सेसफुल रहता है तो इसे और आगे बढ़ाए जाने की संभावनाएं रहेंगी। और इस रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के फायदे क्या है? फायदे नुकसान अगर दोनों हम लोग समझें तो इसका एक सबसे अच्छा फायदा जो वो दिखता है साथियों कि यहाँ पे काफ़ी जो टूरिस्ट है वो बढ़ेंगे, टूरिज्म एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, यानी जो स्मॉल लेवल पे जो इकोनॉमी है उस पर फ़र्क आएगा। जो यहाँ पे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, जितना भी ये 9 किलोमीटर का जो पूरा स्ट्रेच है, इसके आसपास जो रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं जो है एक अप्रिसिएशन मिलने की संभावनाएँ बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ जब यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ट्रीज लगाए जा रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा, लोग यहाँ पे आएंगे, सुंदरता को देखने के हिसाब से भी अच्छा होगा। और एक सबसे बड़ी चीज़ साथियों जो हमें दिखती है, अगर इस तरीके से रिवर फ्रंट डेवलपमेंट को किया जाता है तो जो बीच बीच में कहीं से भी लोग नाले का पानी सीधा जो है डायरेक्ट नदी में छोड़ते हैं वो कर पाना असंभव होगा, क्योंकि जब ये RCC स्ट्रक्चर लगाए जाएंगे साइड में, और यहाँ पे देखिए स्लोप बनाया गया, अगर आप ये लोग देखें ध्यान से आप लोग, तो यहाँ पे जो स्लोप बनाया गया है तो पानी का जो प्रवाह है उसमें भी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आने वाले हैं। तो इससे एक फ़ायदा ये होने वाला है कि आने वाले समय पर जो कहीं से भी अनट्रीटेड वाटर जा रहा है वो रुक जाएगा, कूड़े कचड़े जो है रोकने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी लगाए जाएंगे,
निश्चित अंतराल पर। तो ये 9 किलोमीटर जो है कहीं ना कहीं एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रहेगा। साथियों, उस प्रोजेक्ट से होने वाले नुकसान को भी समझना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। अगर हम समझें इसे तो इस प्रोजेक्ट से नदी का नेचुरल फ्लो प्रभावित होगा, नदी का प्राकृतिक रिवर लाइन और श्रिंक हो जाएगा, नदी के किनारे मौजूद प्राकृतिक रूप से बढ़े हुए पेड़ पौधों में कमी आ जाएगी, नदी के आसपास लोगों के ज़्यादा मौजूदगी से संवेदनशील जीव जंतु और बर्ड्स में भी कमी आने की संभावनाएं हैं। इन सब की वजह से नदी और इसके आसपास का इकोसिस्टम बदल सकता है, नदी का फ्लोरा फना भी प्रभावित हो सकता है। इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं इसके डेवलपमेंट के साथ साथ, जहां तक हमने देखा यहां पर ऐसे पेड़ लगाए जा रहे हैं जिनकी उम्र अपेक्षाकृत कम होती है। बनियान ट्री और पीपल ट्री हमें नदारद दिखे, जबकि इन्हें ज्यादा से ज्यादा लगाए जाने की जरूरत है, जिससे आने वाले कई जनरेशन तक के लिए यह मददगार साबित हो। इसी के साथ रिवर साइड रोड भी बनाया जाना चाहिए, जिससे बार बार एक्सकेवेशन और तोड़फोड़ से भी बचा जा सके। जितने भी नाले डायरेक्ट रिवर में जुड़े हैं उन्हें कहीं ना कहीं ग्रुप में कर करके एसटीपी प्लांट लगाए जाने चाहिए, जिससे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ साथ नदियों का भी साफ होना चालू हो जाए, और यह कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर यह अच्छे से सक्सेस होता है और जो पब्लिक यहाँ पे है इसे एक्सेप्ट करती है, तो इसे और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। 5,000 करोड़ का ये पूरा बजट इसका है बनाया जा रहा है, जिसमें इसका हमने बहुत पहले ही जब इस पर एक तरीके से DPR आया था कि किस तरीके से चीज़ें बनने वाली, तब भी हम लोगों ने आपके सामने वीडियो लाए थे, उसे आप आई बटन पर प्रेस करके देख सकते हैं। बाकी यहाँ का डेवलपमेंट आप लोग देख ही रहे हैं, और जल्द आपके सामने लाने वाले हैं पुणे वेस्ट टू ईस्ट का जो मेट्रो लाइन है उसका वर्क प्रोग्रेस क्या है, कब तक चालू हो सकता है। यदि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। यदि आपके मन में कोई दुविधा है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले तो हमें कमेंट में बता दें, या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अपनी समस्या हम तक पहुंचा दें। कोशिश रहेगी आपको इन पर्सन कंसल्टेशन दिया जाए। साथियों, यदि प्रयास पसंद आया है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें मिलेगा आपका प्रोत्साहन और आपको तमाम जानकारियां। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।